रोमन और लोगन पॉल आमने सामने आए तो क्या हुआ? ट्रिपल एच ने कैसे वाइट रैबिट को टीज करा? मेन इवेंट में गंथर और शेमेस के बीच क्या देखा और क्या हुआ ड्रू मैकेंटायर और कैरियन क्रॉस के बीच? बात करेंगे सभी के बारे में आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आज के स्मैकडाउन की शुरुआत ट्रिपल एच ने करी। वो आके कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। फिर वो सभी का वेलकम करते हैं स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर एपिसोड में। ट्रिपल एच के माइक्रोफोन पे QR कोड भी दिख रहा था, जो कि रेफरेंस कर रहा था एक सोशल मीडिया अकाउंट को, जो कि ब्रे वाइट का था। वहीं एक URL से कोड मिला जो कि 10822 यानी कि एक्सट्रीम रूल्स की डेट है। फिर इसके बाद रोमन रेंज और पॉल हेमन एंट्री लेते हैं। उनके साथ उसो, सैमी ज़ेन, सोलो सिकोवा यानी कि पूरी ब्लड लाइन एक साथ मौजूद थी। रिंग में आते ही रोमन रेंज अपनी स्टाइल में खुद को अक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। आगे वो कुछ बोलते तभी यहाँ लोगन पॉल की एंट्री हो जाती है। वो आके एप्रिन पर खड़े हो जाते हं। रोमन रेंज कहते हैं, लोगन अंदर आ जाओ अंदर, हम सभी सुनना चाहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब पॉल हेमन बोलते हैं, पॉल हेमन लोगन पॉल के भाई और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते हैं। वो बताते हैं कि कोई रोमन रेंज को नहीं हरा सकता है। पॉल हेमन ने यह भी क्लेम करा कि रोमन रेंज आसानी से लोगन पॉल को हरा देंगे और उन्होंने यहां ट्राइबल चीफ की जम के तारीफ करी और कहा कि क्राउन जूल ट्राइबल चीफ तो मैं स्मैश कर देंगे, पहले से ही हॉस्पिटल में बेड का अरेंजमेंट करके रखना और ये स्पॉयलर्स हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि मैं इस पे आर्ग्यूमेंट कर सकता हूं, तुम वाइज मैन जो हो, बट मेरा एक क्वेश्चन है, तुमने क्या कहा कि ट्राइबल चीफ मुझे फोड़ देगा, मतलब कि स्मैश कर देगा, तुम्हारा ट्राइबल चीफ से क्या मतलब है, रोमन रेंज या जे उसो? ये सुन के जे उसो लोगन पॉल पर चढ़े जा रहे थे, बुरी तरह से झल्ला जाते हैं। जिम्मी उसो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे होंगे कि शांत हो जा, क्या कचरा करा रहा है। रोमन रेंज की आंखें चढ़ जाती हैं, वो जे उसो को देख रहे थे और फिर जे उसो के सामने जाके रोमन रेंज खड़े हो जाते हैं। दोनों आमने सामने होते हैं, हालांकि जे उसो रोमन रेंज से आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे थे। लोगन बड़े खुश हो रहे थे पीछे आग लगा के। तभी सैमी ज़ेन माइक लेते हैं और दोनों को कूल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, रोमन रेंज तुम हेड ऑफ द टेबल हो, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, तुम अपने गॉड मोड में हो, सबसे जरूरी यह है कि तुम ट्राइबल चीफ हो और यहां पे कोई इस बात पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है और ना ही इसको कोई चैलेंज कर सकता है। ये तुम्हारी फैमिली है और जे उसो ने कुछ गलत नहीं किया है। यहां पे एक है जो फेक यूट्यूबर जो WWE सुपरस्टार बनना चाहता है, इसको आइडिया नहीं है कि ये क्राउन जूल में बुरी तरह से स्मैश होने वाला है, ऐसे जैसे कि आज से पहले कोई नहीं हुआ होगा। तुम नंबर दो हो और नंबर दो ट्राइबल चीफ के जूते में पड़े होते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं, लोगन जब तेरे साथ चीजें अनफिनिश होंगी तब पता है ब्लड लाइन यहाँ होगी, पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग यूनिट हमारे अंदर होगी क्योंकि वी द वंस। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच एक मैच दिखा। मैच से पहले सोलो सिकोवा रिकोशे पर अटैक कर देते हैं, फिर मैच ऑफिशियल होता है और दोनों भिड़ जाते हैं। सोलो काफ़ी अग्रेसिव दिखाई दिए, वहीं रिकोशे लगातार हाई फ्लाइंग मूव से सोलो सिकोवा को परेशान करते हुए दिखाई दिए। मैच अच्छा रहा दोनों के बीच। एक टाइम जब आया जब रिकोशे सोलो सिकोवा को रिंग में अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, सोलो सिकोवा इस बात से काफ़ी ज़्यादा झल्ला जाते हैं। वहीं एंड में सोलो ने अपने मूव को देके मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें पूरी ब्लड लाइन बैठी दिखाई दी, वहाँ पे सोलो सिकोवा नहीं थे। सैमी ज़ेन बताते हैं कि वो सोलो सिकोवा को संभाल रहे हैं और ये सुनकर जे उसो खुश नहीं हुए। हालांकि रोमन रेंज ने कहा कि सैमी ज़ेन इस चीज़ में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, जिसके बाद जे उसो को चुप होना पड़ता है। अब इसके बाद बैक से सैमी ज़ेन और उसोस कहीं जा रहे थे। इसी बीच सैमी ज़ेन उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। शायद जिम्मी भी इस बात से कहीं खुश नहीं थे और तभी यहाँ पे उन फेस टू फेस हो जाते हैं न्यूडे से। उनकी बहसबाजी होती है और न्यूडे ने जे उसो की काफ़ी बेइज्जती करी। सैमी ज़ेन उन्हें एक 6-man टैग टीम के लिए चैलेंज कर देते हैं। अब हमें वाइट रैबिट से जुड़ा एक वीडियो पैकेज देखने को मिला। ये एक तरह से गेम लग रहा था, पता नहीं एक रैबिट आता है वो एक्स को खा जाता है। फिर इसमें बताया जाता है कि एक्सट्रीम रूल्स यानी कि टुमारो नाइट कुछ बड़ा होने वाला है। उम्मीद ये फैंस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ वाइट रैबिट से रिलेटेड एक्सट्रीम रूल्स में लीक होने वाला है। इसके बाद हमें रकील रॉड्रिगेज शॉर्टजी वर्सेस सोनिया डेविल ज़ायली के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन सभी के बीच, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं चला। रकील रॉड्रिगेज ने जम के इस मैच में पावर दिखाई, वहीं सोनिया डेविल और ज़ायली ने भी थोड़ा इंप्रेस करा इस मैच में। रकील रॉड्रिगेज ने एंड में सोनिया डेविल पर मूव देके मैच जीत लिया।
अब हमें कैरियन क्रॉस की एंट्री दिखाई दी, वो यहाँ पर एक सेगमेंट देने आए थे, तभी ड्रू मैकइंटायर ने एंट्री करके उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने स्ट्रैप से अपने अपोनेंट की बुरी हालत करने की कोशिश करी, सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंट्री की और वो ड्रू मैकइंटायर को रिंग के बाहर ले गए। दोनों के बीच ब्रॉल को रुकवाने की उन्होंने कोशिश करी, मैकइंटायर ने गार्ड्स को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी बुरी तरीके से अटैक कर दिया। ब्रॉल इन दोनों के बीच कंटिन्यू चल रहा था। कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकइंटायर स्ट्रैप में बंधे हुए थे और यहाँ कैरियन क्रॉस ने स्कॉटिश वॉरियर की बुरी हालत कही, उन्होंने लगातार टर्न बकल में ड्रू मैकइंटायर को मारा। अब एक तरह से कह सकते हैं कि कैरियन क्रॉस को यहाँ पर WWE ने अपर हैंड दिया। अपने मैच से पहले इन दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा हाइप बना दी है अपनी मैच की। इसके बाद हमें उसोस सैमी ज़ेन वर्सेस न्यू डे ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच सिक्स मैन टैग टीम मैच दिखा। न्यू डे का साथ देने ब्रॉन स्ट्रोमैन आए थे। जेवियर वुड्स और सैमी ज़ेन मैच शुरू करते हैं। सैमी ज़ेन की हालत बुरी होती है तो वो टैग जे उसो को देकर रिंग के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद न्यू डे उसोस ब्रदर पर रिंग के बाहर शानदार डाइव लगाते हैं। वहीं सैमी ज़ेन और जे उसो के बीच फिर वही बहसबाजी होती दिखाई दी। अब ये कॉफी किंगस्टन को अपनी साइड फंसा लेते हैं और काफ़ी देर उनमें मार लगाते हैं। बहुत टाइम बाद टैग अब ब्रॉन स्ट्रोमैन पर आता है, वो आके सबका सफाया कर देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जे उसो और सैमी ज़ेन को टक्कर से उड़ाया। उधर रिंग में जिम्मी उसो को मूव देके न्यू डे और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने मैच जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें गंथर वर्सेस शेमेस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखा। रिंग साइड इनके पार्टनर आज मौजूद नहीं थे। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। रिंग के बाहर भी इनके बीच धमाल देखने को मिला। शुरू से ही दोनों काफ़ी एग्रेसिव और बहुत ही फिजिकल दिखाई दिए। क्लैश एट दी कैसल के बाद फिर से वैसा ही मैच इन दोनों के बीच देखने को मिला। प्रॉपर टाइम इस मैच को मिला। शेमेस को फैंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। काफ़ी बार नियर किकआउट भी इन दोनों के बीच देखने को, ऐसा लगा कि यह मैच किसी पेपरव्यू में हो रहा हो। गंथर ढेर पड़े थे तभी उनके पार्टनर की एंट्री हुई और तभी होलैंड और बुच भी आ गए और इनके बीच रिंग के बाहर जबरदस्त ब्रॉल दिखा। उधर रेफरी का ध्यान उनके पार्टनर्स पे था। अब शेमेस ब्रॉक किक की तैयारी में थे तभी गंथर ने शिलोंग उठा के शेमेस को मार के पिन करा और मैच जीत लिया। रेफरी ये देख ही नहीं पाया। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। लोगन पॉल और रोमन रेंज सामने तो आए बट इनके बीच किसी भी तरह का ब्रॉल वगैरह आज देखने को नहीं मिला। वहीं लोगन पॉल ने लाइन में फूट डालने की कोशिश करी जो कि सैमी ज़ेन ने काफी हद तक संभाल भी ली। वहीं रोंडा रोजी और मॉर्गन के बीच आज कुछ भी देखने को नहीं मिला। व्हाइट रैबिट को लेकर WWE ने काफी कुछ टीज करा है। एरिना में व्हाइट रैबिट घूमता हुआ भी देखा गया। वीडियो पैकेज में यह भी दिखा कि कल की रात कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब कि एक्सट्रीम रूल्स वाली रात में कुछ बड़ा निकल के आने वाला है। कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकइंटायर के बीच जबरदस्त ब्रॉल देखा पीपीवी से पहले। उसोस और सैमी ज़ेन ब्रॉन स्ट्रोमैन न्यू डे के सामने हारते हुए दिखाई दिए। वहीं मेन इवेंट काफी शानदार रहा, एक बार फिर से शेमेस चैंपियन बनने से चूक गए। चीटिंग से गंथर अपना टाइटल बचा के ले गए। अब आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।